हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम्स 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट के केमिस्ट्री पेपर के असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले 10 क्वेश्चंस की, उनका डिस्कशन करेंगे और उनके सारे सॉल्यूशंस करेंगे। ओके मेरा नाम है हरिओम पटेल। प्रेजेंटली मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एम्स न्यू दिल्ली में, और ये एक नया चैनल है, जैसे कि हम चार फ्रेंड्स ने, चार एम्सोनियंस ने स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले और जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो सारे वीडियोस आपके फ्रेंड्स भी देख सकें और उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके सो लेट अस गो। तो सबसे पहला, जब मैंने अपना प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बात की थी कि असर्शन एंड रीजंस को कैसे सॉल्व करना है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और ये चार ऑप्शंस हैं, उसमें मैंने बात की थी कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शंस पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर सबके ऑप्शंस कॉमन है, जो कि ए का मतलब है कि अगर दोनों के दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, बी का मतलब है कि दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट, सी का मतलब है कि असर्शन करेक्ट है बट रीजन इज फॉल्स, एंड डी का मतलब है कि दोनों के दोनों फॉल्स हैं। ओके IT में ई भी आता है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, हमारे में नहीं आता। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हम उसी स्ट्रेटजी से सॉल्व करेंगे जो कि मैंने असर्शन एंड रीजन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी वाली वीडियो में आपको बताई थी। तो देखो, अपने को दिया हुआ है कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि कैटलिस्ट का तो काम ही वही है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब कैसे करता है, तो हम इसका एक प्रोबेबल रीजन सोचेंगे। तो कैटलिस्ट मतलब किसी भी एनर्जी को फास्ट या स्लो होने का क्या रीजन होता है, तो वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा स्लो रहेगी रिएक्शन, और जितनी कम रहेगी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा फास्ट होगी रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ओके हम अगर हमारा वैसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है रीजन में कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ द डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो आंसर हम ये लगा देंगे, नहीं तो अगर फिर देखते हैं आगे। तो रीजन में दिया हुआ है कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो इसमें एक बात को आपको गौर करना है कि इन्होंने लिखा हुआ है कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि गलत है। सही क्या होता कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए, ये है कैटलिस्ट के एब्सेंस में, और ये जो ई ए ई है ये है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये कम है और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड बी ईजियर एंड देयरफॉर फास्टर। ओके फिर अगला क्वेश्चन हमारा है एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि ग्रेफीन इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेफाइट। ओके नाम में भी दिख रहा है और ये तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफीन को हम ग्रेफाइट से ही निकालते हैं। इसके बाद आंसर इन्होंने दिया हुआ है रीजन में कि ग्रेफीन एंड ग्रेफाइट बोथ हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट का तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है बट ग्रेफीन का नहीं होता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड एंड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, क्या यह सही बात है कि एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो अगर आप अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन पढ़ी है, तो बिल्कुल चैप्टर के उससे साइज से अगर आप एल्डिहाइड को देखोगे तो एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा पेजेस में डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर कीटोन्स देखोगे तो बहुत कम पेजेस में डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि एल्डिहाइड्स की रिएक्शन ज़्यादा होती है और कीटोन्स की रिएक्शन कम होती है। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन ज़्यादा होती है मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है ही, और कीटोन की कम होती है, तो ये तो एक बेकार सा लॉजिक है ना। मेन लॉजिक कि एल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन से ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है, तो देखो किसी भी कार्बन पर अगर रिएक्शन होनी है ना, किसी भी कार्बन पर अगर रिएक्शन होनी है, किसी इलेक्ट्रोफाइल का, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, तो क्या होना चाहिए, उस कार्बन पर सबसे पहले चार्ज होना चाहिए, है ना, उस कार्बन पर चार्ज होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे एल्डिहाइड में और कीटोन में, तो एल्डिहाइड में चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके और दूसरा जो फैक्टर आ जाता है वो आता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। अगर कार्बोनिल कार्बन को कीटोन में देखोगे तो दोनों तरफ से वो कार्बन से घिरा होता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, अगर कोई और अटैकिंग रिएजेंट आके उस पर अटैक करेगा तो उसको थोड़ा हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एल्डिहाइड के फॉर्म में एक हाइड्रोजन होता है जिसका साइज बहुत ही छोटा होता है, और एक तरफ कार्बन होता है, ओके कार्बन या और लंबा चेन, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी कम होता है, इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं। तो इन्होंने रीजन दिया हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्जेस एट द कार्बोनिल ग्रुप, जो कि बिल्कुल सही है कि देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेनली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ही होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मेनली। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगी, और अगर चार्ज ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी, और ये दोनों कंडीशंस
कि स्टेरिक हिंड्रेंस का कम होना और चार्ज का ज़्यादा होना ये किस में होता है? हमारे एल्डिहाइड में, और ये कीटोन में नहीं होता। इसलिए असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी परफेक्टली करेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेकलाइट इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना होगा कि ये सही है कि नहीं। तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने पॉलीमर ठीक से पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल सही कर दोगे इसको। तो हाँ, बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है? तो देखो, इसका रीज़न, प्रॉबेबल रीज़न है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं क्रॉस लिंक्ड और हैविली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स, जो कि अगर आप उनको हीट करोगे ना, तो उनकी जो क्रॉस लिंकिंग है वो और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगी। ओके, और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगी और वो बिल्कुल इन्फ्यूजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हैविली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इन्फ्यूजिबल। दीज कैन नॉट बी रीयूज्ड। ओके, एंड सम कॉमन एग्जांपल्स आर बेकलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ तो एग्जाम्पल हमें पता चल गया कि बेकलाइट तो बिल्कुल एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। बट उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि ये क्रॉस लिंक्ड है ना, हैविली क्रॉस लिंक्ड है और हैविली ब्रांच्ड है। लेकिन और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब आप उनको हीट करोगे, तो हीट करने के बाद वो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स कर लेते हैं, है ना, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। तो अगर ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास, या फिर अकेला ये दिया हुआ है कि हीटिंग करने के बाद वो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं, तो हम इसको एक लगा सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर कुछ और दिया तो हम देखते हैं। इसमें रीजन में दिया हुआ है कि इट इज अ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो हाईली ब्रांच तो होता है, बट दिस इज नॉट यू नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि करेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए था? थोड़ा हीटिंग के बारे में भी तो बताना चाहिए था ना। अगर आप थर्मोसेटिंग की बात कर रहे हो और हीटिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहे कि हीट करने पे कैसा होता है, तो कैसे रीजन करेक्ट हो सकता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हीलियम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बोर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और हीलियम एक यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है। अब ये रीज़न, ये तो रीज़न ही नहीं दे सकते। तो बोर्स मॉडल यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि बोर्स मॉडल जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होते हैं उनको कंसिडर नहीं करता। बोर्स मॉडल सिर्फ एक फोर्स को कंसिडर करता है, और वो होती है सेंटर और सिंगल इलेक्ट्रॉन के बीच की फोर्स। बोर्स मॉडल डज नॉट कंसिडर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स। इसलिए हीलियम, जो कि जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है, इसलिए इसमें बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन एच ई प्लस में होगा। तो इसका रीजन देखते हैं। यस, रीजन दिया हुआ है कि बोर्स थ्योरी डज नॉट कंसिडर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, देयर फॉर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना? तो अब देखो, सॉल्ट है, ठीक है, तो सॉल्ट एक तो स्पेरिंगली सॉलिबल है, मतलब कम सॉलिबल है। तो अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट, स्पेसिफिकली अगर आप एक स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगी। बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है सिर्फ स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट्स के लिए, तो असर्शन इज करेक्ट। अब अगर हम रीजन की बात करेंगे, तो इन्होंने कहा है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव फॉर ऑल सॉल्ट्स। यहाँ असर्शन में बात की है सिर्फ स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट्स की, है ना, और यहाँ पर बात कर दी है ऑल सॉल्ट्स की। तो देखो, किसी भी सॉल्ट की जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, है ना? ये तो दोनों ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनना, है ना, मतलब सॉल्ट का डिसोसिएट होना, ये तो या तो एंडोथर्मिक भी हो सकता है या तो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो आप इसको अगर टेम्परेचर देते हो, तो ये रिएक्शन क्या होगी? फास्ट हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी, मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उसमें अगर आप हीट दे रहे हो, तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी और नेगेटिव इफेक्ट आएगा, है ना? इसलिए हमारा रीज़न करेक्ट नहीं है और असर्शन एकदम करेक्ट है। ओके, सो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, ये जो उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद हमारा असर्शन है कि एक्टिनॉइड्स कैन पजेस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इजिली देन लैंथेनॉइड्स, राइट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो एक्टिनॉइड्स की एनर्जी लेवल्स होती हैं, जो लास्ट की एनर्जी लेवल्स होती हैं, एक आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स होती हैं, उनकी एनर्जी ना ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इसलिए आराम से बाहर की दो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं। लेकिन लैंथेनॉइड्स के केस में ऐसा नहीं होता, उनमें एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। तो हमें रीज़न ढूंढना है, उस रीज़न में दोनों के बारे में बताना चाहिए कि एक्टिनॉइड की क्यों हो सकती है और लैंथेनॉइड की क्यों नहीं हो सकती,
क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। अगर वो सिर्फ एक के बारे में बताते हैं तो रीजन इज पार्शली रीजन पार्शली एक्सप्लेन्स द असर्शन, जो कि हम उसको एक्सप्लेनेशन सही नहीं मानेंगे, है ना। तो वही अब हम देखते हैं इसका रीजन। तो उन्होंने रीजन दिया है कि 4F, 5D एंड 6S हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल इन एक्टिनाइड्स, जो कि सही है, लेकिन व्हाट अबाउट लैंथेनाइड्स? लैंथेनाइड्स की तो उन्होंने रीजन में बात की ही नहीं है, इसलिए ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना। तो देखो, जब रीजन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना एक्सप्लेनेशन की तरह, तो एक दूसरी कंडीशन इमेजिन करो कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर, एक्टिनाइड्स का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, लेकिन लैंथेनाइड का क्यों नहीं हो सकता, है ना। और अगर आपको जो रीजन जो सर दे रहे हैं, अगर ये रीजन आपको सर दे, तो क्या आप उससे सेटिस्फाई हो गए? नहीं ना। तो बस इस रीजन से भी कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो, इसलिए इसका आंसर बी लगा दो। उसके बाद हमारा असर्शन है कि क्लासिकल स्मॉग इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोकेमिकल स्मॉग। बिल्कुल सही है, अलग है ही है वो। तो रीजन क्या होता है? तो इन्होंने रीजन दिया कि बिकॉज क्लासिकल स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिड्यूसिंग। ये सही है क्या? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि करेक्ट रीजन है कि क्लासिकल स्मोग होता क्या है। क्लासिकल स्मोग में होता है स्मोक प्लस फॉग प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये तीनों रिड्यूसिंग होते हैं। और जो फोटोकेमिकल स्मोग है, उसमें क्या होता है, वो जब सनलाइट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे या नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे एक्ट करती है, तब बनता है हमारा फोटोकेमिकल स्मोग, और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। तो उन्होंने रीजन में उल्टा दिया हुआ है, फोटोकेमिकल को रिड्यूसिंग दिया है और क्लासिकल को ऑक्सीडाइजिंग दिया है, इसलिए रीजन गलत हो जाता है। तो आंसर सी हो जाता है उसका। उसके बाद हमारा असर्शन है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ प्योर एंड इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो सही है, मतलब जनरल आइडिया होता है कि आप बनाओगे एनोड, बनाओगे इम्प्योर मेटल का, कैथोड बनाओगे प्योर मेटल का, और जो सोल्यूशन होगा वो होगा सॉल्ट ऑफ द प्योर मेटल, है ना। तो ये सिंपल सा था, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। ये एनसीईआरटी के हैं सारे क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा मेटलर्जी वाले चैप्टर में। इसका रीजन इन्होंने दिया हुआ है कि कॉपर इज ऑब्टेंड एट एनोड, है ना। तो सबसे पहले तो ये रीजन इसका बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगर ये करेक्ट होता भी तो इसका रीजन ये हो ही नहीं सकता कि भाई क्यों बना रहे हो आप। तो उसमें अगर वो रिएक्शन के बारे में कुछ बात करें, है ना, मूवमेंट ऑफ आयंस के बारे में बात करें, तो रीजन करेक्ट हो सकता था। तो ये तो दूर दूर तक रीजन नहीं है, और तो और रीजन करेक्ट है ही नहीं। उन्होंने कहा कि प्योर कॉपर इज ऑब्टेंड एट एनोड, और एनोड पे तो हमें पता है कि क्या ऑब्टेंड होता है। एनोड पे एनोड मड मिलता है, जिसमें कि जो इम्प्योरिटीज होती है वो मिलती है, जैसे कि गोल्ड या फिर बाकी सारी जो इम्प्योरिटी मेटल्स होते हैं वो इसमें मिलते हैं, इसलिए रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो आंसर हो जाता है सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्टोफन इज लेस बेसिक देन हिस्टिडीन। अब ये करेक्ट है कि नहीं है, देखते हैं। और रीजन दिया हुआ है उन्होंने कि ट्रिप्टोफन हैज sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, बट हिस्टिडीन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, ये क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको दोनों का स्ट्रक्चर पता ना हो, है ना। जो फर्स्ट असर्शन है उसको तो आप सॉल्व कर भी सकते हो, अगर आपको पता है कि बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो उसके बेसिस पर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर जो रीजन है उसको तो आप बिल्कुल दूर दूर तक अप्रोच नहीं कर सकते अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता। तो देखो, ये अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन 2016 में आया था हमारे एग्जाम में, उसमें बताना था कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है अमीनो एसिड्स का, और 2017 में भी आया, तो क्या पता अगले साल भी आ जाए। इसलिए अमीनो एसिड्स के सारे स्ट्रक्चर्स आप एक बार ध्यान से देख लें। ओके, तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर ये है ना। तो इसमें देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अंदर डीलोकलाइज होगा, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में है। और अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो नाइट्रोजन क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, और ये जो दूसरा नाइट्रोजन है इसमें देखो, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। फिर अगर आप इसको देखोगे, इस नाइट्रोजन को देखोगे, तो इसका लोन पेयर भी यहाँ पर डीलोकलाइज है, तो ये भी कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इसमें सारे के सारे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स में, मतलब हिस्टिडीन में और दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी, इन दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है नाइट्रोजन का, और दूसरे में ये जो एक नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर भले ही डीलोकलाइज नहीं है, लेकिन इसने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। मतलब तीनों के तीनों नाइट्रोजन किसी ना किसी तरीके से या तो अपना लोन पेयर डीलोकलाइज करा के या फिर रियल पाई बॉन्ड बना के ये लोग पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें सारे के सारे नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एक भी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, इसलिए रीजन गलत हो जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, और प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। ओके, थैंक यू।